महिला कांवड़ियों ने महाकाल मंदिर पर जमकर हंगामा किया है। मंदिर में कांग्रेस नेत्री और पार्षद माया राजेश त्रिवेदी भी इन महिलाओं के साथ शामिल थी। आपको ये बता दें कि ये महिलाएं गणेश मंडपम से नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं को ऐसा करने से रोक लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ महिलाओं की झूमाझटकी हुई है। तस्वीरें आप खींची हुई स्क्रीन पर, महिला कांवड़ियां यहाँ पर पहुंची थी, बाबा महाकाल के दर्शन करने की तमन्ना थी, लेकिन सभी बैरिकेटिंग्स को तोड़कर, सभी नियमों को तोड़कर गर्भगृह और नंदी हॉल की ओर जाने की कोशिश में लगी हुई। इसी बीच सुरक्षाकर्मियों ने जैसे रोका, अचानक से विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद जमकर हंगामा महिलाओं की तरफ से होने लगा। सही, अजय हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, क्या कुछ हुआ इस दौरान और साथ ही साथ फिलहाल स्थिति कैसी है? जी देखिए, उज्जैन में जो कांग्रेस नेत्री हैं और पार्षद हैं माया राय त्रिवेदी, इनके द्वारा आज जो है कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, पर महाकाल प्रबंधक समिति की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से द्वार बनाया गया है, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन माया राय त्रिवेदी चाहती थी कि उनको जो है नंदी हाल से दर्शन हो, गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने दिया जाए। इसी बात को लेकर जो है इन्होंने मंदिर के जो परिसर में धरना प्रदर्शन दे दिया और इसके बाद जबरदस्ती नंदी हाल में घुसने का प्रयास किया, बैरिकेटिंग उठा के फेंक दिए, जिससे कर्मचारियों के साथ भी उज्जत करती नजर आई है। इससे कहीं ना कहीं मंदिर के जो नियम थे उनको त्याग ताक पर रखते हुए और उनको उसको उल्लंघन करते हुए इन्होंने जो है मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है। उसको लेकर जो है मंदिर प्रशासन ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है इस तरीके के प्रदर्शन करने से जो है आम श्रद्धालुओं को भी असुविधा महसूस हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आम श्रद्धालु बड़े काफी समय से इंतजार कर मंदिर तक पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, पर हंगामा थे, उनको भी जो दर्शन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। जी अजय, ये भी बताइएगा कि कांवड़िए जब यहाँ पर पहुंचते हैं तब उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होती है, वहां पर क्या कोई कमी होती है जिस वजह से ऐसा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है? जी देखिए, महाकाल प्रबंधक समिति ने 4 नंबर गेट जो है कांवड़ यात्रियों के लिए बना रखा है और उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि उस गेट से सिर्फ कांवड़ यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाता है और बड़ी आसानी से कांवड़ यात्री मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तमाम सुविधाएं हैं, इसके बावजूद यहां पर हंगामे की स्थिति पैदा की गई। बहुत शुक्रिया आपका जब पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्टेट जीएसटी की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। टैक्स चोरी करने की शिकायत जैसे ही प्राप्त हुई, फौरन कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई। करमचंद चौक के अंबिका ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई, अंबिका ट्रेडर्स के 3 स्थानों पर स्टेट जीएसटी की टीम अब लगातार जांच में जुटी हुई। करमचंद चौक के अंबिका ट्रेडर्स का ये पूरा मामला, जबलपुर से जानकारी सामने आ रही, 3 स्थानों पर टीम पहुंची है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। स्टेट जीएसटी के छापामार कार्रवाई, टैक्स चोरी को लेकर जानकारी सामने आ रही थी। अंबिका ट्रेडर्स के 3 ठिकानों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। और अब 23 की महाभारत की शुरुआत करें, यानी कि सियासी खबरों की ओर हम रुख करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लेते हैं, क्योंकि 29 जुलाई को जो दौरा उनका भोपाल में होना जा रहा था वो अब निरस्त हो चुका है। अब 30 जुलाई को सीधे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10 बजे राजधानी पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ सबसे पहले बैठक, सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और 2 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। व्यवस्थाओं को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण डीआईजी एसपी ग्रामीण ने भी दौरा किया है, तैयारियों को एक बार फिर से सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की कोशिश। लेकिन पहले जब भोपाल को लेकर जानकारी सामने आई थी तो 29 तारीख को उन्हें आना था, 30 जुलाई को इंदौर जाना था। इस पूरे दौरे को लेकर अब एक नई व्यवस्था नजर आती है, पहले वाला दौरा निरस्त हो गया और 30 जुलाई को इंदौर में दिग्गज रहने वाले हैं। 30 जुलाई को इंदौर अमित शाह का कार्यक्रम है, ये हमने आपको बताया, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह एक बड़ी बैठक भी यहां पर करेंगे। कमलनाथ का भी 30 जुलाई को ही इंदौर का ही दौरा है। इंदौर में महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं कमलनाथ। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, आदिवासी महापंचायत को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। तो आमने सामने होंगे 30 जुलाई को इंदौर में अमित शाह और कमलनाथ, दोनों ही वरिष्ठ जनों का दौरा इंदौर में एक ही दिन। कमलनाथ की भी दूसरी तरफ अलग अलग कार्यक्रम, अमित शाह भी यहां पर बैठकें लेने वाले हैं। तो 30 जुलाई को कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इंदौर में दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा।
23 जुलाई को हम आपको बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, साथ ही साथ कमलनाथ के दौरे को लेकर भी अब जानकारी साझा की गई है। तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा इंदौर में, साथ ही साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचेंगे। शहर में आदिवासी युवा नेताओं के साथ साथ जानकारी जुटाने की कोशिश भी होगी। सम्मेलन के जरिए चुनावी आगाज करने वाले हैं, कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करेंगे, इस पर भी जानकारी सामने आ रही है। इसी को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिस कन्हैया कुमार के साथ कमलनाथ मंच साझा कर रहे हैं, ये वही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। भारत की बर्बादी तक हमारी जंग जारी रहेगी। कल्पना करना, जिसके साथ कमलनाथ जी मंच शेयर कर रहे हैं, वो वही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, वही है ना कन्हैया कुमार। और ये दूसरे शख्स जो आ रहे हैं ना, वो स्पष्ट कहते हैं, वो कहते हैं कमलनाथ जी जिसके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। और ये कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दोनों बातें, एक राष्ट्र भक्त है और एक राष्ट्र तोड़ने की बात करते हैं। बस यही अगर दोनों उस दिन है तो यही चुनाव की और मूल थीम समझ लो, राष्ट्र भक्तों का सम्मेलन होगा और राष्ट्रद्रोही जो देश तोड़ने की बात की है उनके बीच होंगे। तो आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ये लाजमी भी, क्योंकि 30 जुलाई का ही दिन है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम कमलनाथ एक ही दिन एक ही शहर के दौरे पर रहने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रम है, बीजेपी में भी बैठकों का दौर चलेगा। ये बताया जा रहा है कि महिला युवा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं कमलनाथ, यहां पर अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और उधर दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा मसला यह भी कि कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर करने की बात सामने आ रही है कमलनाथ की, इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे थे कि वही व्यक्ति है कन्हैया कुमार जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए थे, उनके साथ जब पूर्व सीएम कमलनाथ मंच शेयर करेंगे तो किस तरह की मानसिकता रहेगी, ये भी आप समझ सकते हैं। ये कहना है गृहमंत्री का। साथ ही साथ आगामी दिनों में देखना यह भी होगा कि जब दोनों ही दिग्गज एक ही दिन एक ही शहर में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे तब किस तरह से वार पलटवार की स्थिति सामने आती है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह करने वाले, हो सकता है तमाम बड़े हमले कांग्रेस की तरफ भी हों। और जब कन्हैया कुमार कांग्रेस के मंच पर नजर आते हैं तब किस तरह की हलचल पैदा होती है, यह देखने वाली भी स्थिति। तो ये बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हम आपको दे रहे हैं। पहले जो दौरा था वो निरस्त हुआ और अब नई डेट के साथ नए कार्यक्रम के साथ अमित शाह का एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दौरा होने जा रहा है, यानी कि 30 जुलाई को पहले भोपाल में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भोपाल में बैठकें करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और उसके बाद सीधे इंदौर के लिए रवाना होंगे। ज्यादा चर्चा हम इस पर करेंगे, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, शैलेंद्र चौहान है भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं, अनुराग श्रीवास्तव हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप शैलेंद्र, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें बदलाव हुआ है, इसके पीछे क्या वजह और आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे? हाँ देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 27 को वो यहाँ भोपाल से लौटे थे, उसके बाद ये सूचना आई थी कि वो 29 जुलाई को एक बार फिर भोपाल में होंगे और एक बड़ी बैठक लेंगे। तो इसकी भाजपा ने सारी तैयारियां भी कर ली थी, वो प्रशासन ने भी अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन दिल्ली में व्यस्तता के कारण शाह का कल 29 जुलाई का दौरा एक दिन आगे बढ़ गया है। वो कल का दौरा निरस्त करके वो 30 जुलाई को दिल्ली से सीधे भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ भोपाल में एक बड़ी बैठक है। वो मीडिया से पहली बार वो मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद मीडिया से चर्चा करेंगे और यहां पर जो मध्य प्रदेश मिशन 2023 को लेकर कई बार अलग अलग तरह की अटकलें थी, तो ऐसा लगता है कि शाह यहां पर उन सभी मुद्दों पर भी जरूर बोलेंगे। इसके अलावा देश के भी किसी न किसी मुद्दे पर वो यहां पर बात कर सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि
पिछले कुछ समय से लगातार मध्य प्रदेश में बात आती थी कि कोई बदलाव होने वाला है, तो शाह उस दिन मीडिया से बात करेंगे तो ये साफ लग रहा है कि उस दिन इस तरह की तमाम तरह की अटकलें खत्म हो जाएगी और मध्य प्रदेश में अब भाजपा ये शाह के इस बैठक मीडिया से चर्चा के बाद ये साफ भी हो जाएगा कि भाजपा उनके दौरे का यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने वाली है। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अनुराग आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी, जिस दिन अमित शाह होंगे इंदौर में उसी दिन कमलनाथ भी पहुंच रहे हैं और उससे बड़ी बात यह कि कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा कर रहे हैं, कह सकते हैं सियासत बनने वाली है। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ 30 जुलाई को इंदौर में रहेंगे और तीन अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। महिला कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है उसमें जो महिला जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई महिलाएं उनके साथ जो है कमलनाथ की चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है युवा आदिवासी सम्मेलन को कमलनाथ संबोधित करेंगे और कन्हैया कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो किस तरीके से युवाओं को साधा जा सके इसकी कवायद में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और अब कन्हैया कुमार जो मध्य प्रदेश में कई दौरे कर चुके हैं अब वो इंदौर में युवा आदिवासियों के बीच में होंगे और कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि न सिर्फ महिला वोटरों को साधा जाए, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा जाए, बल्कि युवा आदिवासियों पर भी कांग्रेस साधने की कोशिश में, और यही वजह है कि तीन बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के रखे। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस बीजेपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट परसेंटेज के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हमारा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी का यही दावा है। ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि इसी तरह की तैयारी भी नजर आ रही है। देखिए दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जीत भले ही दर्ज नहीं की हो लेकिन मौजूदगी ऐसी दर्ज कराई है कि कांग्रेस तक को पछाड़ डाला और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। अब मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, हर विधानसभा में पदयात्रा शुरू हो रही है। दिल्ली और पंजाब में कामयाबी की गाथा मध्य प्रदेश में गाई जा रही है, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को अलग अलग मुद्दों पर घेरा भी जा रहा है और घेरने के लिए बकायदा दिल्ली पंजाब और गुजरात के नेताओं ने मोर्चा भी संभाल लिया है। अभी हमने पिछले 3-4 दिन से एक नया कैंपेन शुरू किया है कि हम विधानसभा में बदलाव पदयात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश में, और पिछले 4-5 दिन में 6-7 विधानसभाओं में मैं भी जा चुका हूँ, तो वहाँ से पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही इंकरेजिंग है। पब्लिक के पास हम पहुँच रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स जो दिल्ली और पंजाब के वो बता रहे हैं और पिछले 70 साल में उनको क्या मिला है वो भी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उनसे यही कहते हैं आप इस जो पंपलेट को पढ़िए और फिर कंपैरिजन कीजिए कि कौन से काम किस सरकार के अच्छे हैं। अगर आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो हमें आप एक मौका दीजिए और उसमें उस मौका अगर आपने हमें दिया हम डिलीवर करके दिखाएंगे, और अगर आप काम नहीं करें तो हम आपके पास वोट मांगने के लिए दोबारा से नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है। उसका दावा है कि प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। दिलचस्प ये भी है कि केंद्र में एनडीए के खिलाफ इंडिया नाम का जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी मौजूद हैं। लेकिन एमपी की सियासत में आपकी चुनौती पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी आए या बीजेपी की ABC टीम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का। अब चाहे आम आदमी पार्टी आए चाहे भारतीय जनता पार्टी की BCD टीम आए, जनता मानस बना चुकी है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 15 महीने की हमारी उपलब्धियां और भाजपा के 20 सालों का कुशासन ये मुख्य मुद्दा रहने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी बीसी टीम असफल होने वाली है। हालांकि बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तैयारी को लेकर तंज कस रही है, कह रही है आप बदलाव की बात करती है वो तो खुद में पहले ही बदलाव कर चुकी है, उनके मंत्री आज जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बदलाव कैंपेन बहुत समय से शुरुआत कर दी है, क्योंकि जो अन्ना हजारे के अनशन में जिन सारे विषयों का जिक्र था, भ्रष्टाचार से लड़ना था, कांग्रेसियों से लड़ना था, उस गांधी परिवार से लड़ना था, वो तो बदलाव ऑलरेडी हो चुका है आम आदमी पार्टी में। और दूसरा बदलाव ये हुआ था कि जो स्वयं पर नियंत्रण रखने की बात करते थे आज उनके मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। देखिए
हालांकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि राज्य में दो दलों के बीच ही मुख्य चुनावी मुकाबला देखा गया है और वो है कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये दावा कि वो जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं कितना सही होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी सच है कि एमपी की तरह ही कभी गुजरात का इतिहास भी रहा है जहां दो दल ही मुख्य रूप से मुकाबले में रहते थे, लेकिन इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ही आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिला दिया। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। आइए देखते हैं इलेक्शन टॉप 10।